हेलो पेरेंट्स, बाय विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न बेबी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माँ का दूध बहुत ही पौष्टिक आहार होता है, जिसमें सब तरीके के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, बट इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इस वजह से हमें बच्चे को विटामिन डी देना चाहिए। विटामिन डी की वजह से कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का भी एब्जॉर्प्शन बच्चे की बॉडी में होता है। अगर बच्चे के बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस नहीं हो पाएगा अच्छे से और बच्चे की हड्डियां कमजोर रहेगी। विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो सनलाइट से होता है और न्यूबॉर्न बेबी का सन एक्सपोजर काफ़ी कम होता है, इस वजह से भी बच्चे को सन से विटामिन डी नहीं मिल पाता। फोर्थ थिंग, 6 महीने के बाद में जब बच्चे को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बाहर का खाना देना स्टार्ट करते हैं, उसमें भी विटामिन डी का सफिशियंट अमाउंट नहीं होता है और ये सब चीज़ें मिलके बच्चे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी करते हैं। इसीलिए हमें बच्चे को जन्म से और डे 0 से लेके 1 साल तक विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देना है। 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से हम उसे विटामिन डी दे सकते हैं। अगर विटामिन डी हमने नहीं सप्लीमेंट किया तो बच्चे में क्या हो सकता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे में रिकेट्स हो सकता है, जिसका मतलब है कि बच्चे के शरीर में और जो हड्डियां हैं वो लचीली हो जाएगी, उनका एबनॉर्मल शेप हो सकता है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और बच्चे की वो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बार बार इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए पेरेंट्स, आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अपने बच्चे को विटामिन डी नहीं दिया है या अगर आप विटामिन डी है वो प्रॉपर डेली बेसिस पे नहीं दे रहे हैं, तो आज से ही बच्चे को विटामिन डी देना स्टार्ट करिए। और जैसा मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, अगर आपको उसमें से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन लग रहे हो अपने बच्चे में तो तुरंत जाके अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।